IVM. नमस्कार, खेल नीति पर आपका स्वागत है। मैं हूँ राजीव मिश्रा। आज बात करेंगे केप टाउन टेस्ट मैच की और एक बार फिर भारतीय बल्लेबाज क्यों नहीं चले इस पर चर्चा करेंगे, क्योंकि ये एक आदत सी इन दिनों भारतीय बल्लेबाजों की बन गई है। एक बल्लेबाज रन बनाता है और बाकी बल्लेबाज बहुत जल्दी जल्दी ड्रेसिंग रूम लौट जाते हैं। एक अच्छी पार्टनरशिप की जो दरकार होती है वो पार्टनरशिप नजर नहीं आती, और ये सिर्फ केपटाउन टेस्ट मैच की कहानी नहीं है। दरअसल अगर आप पिछले दो सालों पर नजर डालेंगे तो ज्यादातर टेस्ट मैचों में गेंदबाजों ने मैच जिताया है और बल्लेबाज स्ट्रगल करते रहे। अब क्योंकि केपटाउन में टेस्ट मैच चल रहा है तो हम जाहिर सी बात है शुरुआत वहीं से करेंगे, लेकिन आज हम पिछले दो सालों में जो भारतीय बल्लेबाज खेले हैं अलग अलग पोजीशन पे, आखिर वो रन क्यों नहीं बना पा रहे हैं, उसके पीछे की वजह जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ अयाज मेमन है, हमारे साथ निखिल चोपड़ा है। निखिल भाई, कहानी में कोई बदलाव नहीं आ रहा है। हम लोग तो सोचते हैं कि कोई ना कोई ट्विस्ट आया जहां से बल्लेबाज फॉर्म में आ जाए, लेकिन वो पुरानी एक मूवी आई थी बॉलीवुड में कि हम नहीं सुधरेंगे, कुछ वही तरह उसी तरह की टैगलाइन लेके भारतीय बल्लेबाज उतर रहे। और मेरे लिए जो सबसे ज्यादा परेशानी की बात है, आपके लिए भी होगी, अयाज सर के लिए भी होगी, कि आउट होने का पैटर्न नहीं बदल रहा है। अब सेम पैटर्न पे लगातार आउट हो रहे हैं। राजीव भाई, फर्क ये है जो मैं मानता हूँ कि किस तरीके से आप नया बॉल को हैंडल करते हैं। जब पहले टेस्ट मैच में आपको याद है एक अच्छी साझेदारी हुई थी केएल और मयंक के बीच में, एक वो शतकीय साझेदारी थी, मेरे ख्याल में 117-120 रनों की 117। जी, वो एक बहुत बढ़िया चांस था कि आपका मध्यक्रम जो है वो फायर करे। उस टेस्ट मैच में विराट कोहली ने अच्छी बैटिंग भी की थी, उन्होंने 35 रन बनाए थे, क्योंकि नया बॉल साउथ अफ्रीका में जब आप पुराना कर लेते हैं तो मध्यक्रम का काम जो है वो और आसान हो जाता है। अब आप इस टेस्ट मैच में ले लीजिए, अगर आपके ओपनर्स नहीं चलते और कड़ा संघर्ष करना पड़ता है, लेकिन जिस तरीके से विराट कोहली और चेतेश्वर पुजारा के बीच में साझेदारी हुई थी, नया बॉल पुराना कर लिया था, बट वो एक पैटर्न से बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। अजिंक्य रहाणे को देख ले आप, किस तरीके से आउट हो रहे हैं, बाकी के बल्लेबाजों को आप आउट होते हुए देख लीजिए। अमूमन आप देखते हैं कि कोई भी बैट्समैन जब तक आपकी चौथी इनिंग या पांचवी इनिंग आती है, आप कुछ कंडीशंस के यूज टू हो जाते हैं। आपको पता है कि मैंने ऑफ स्टंप कहाँ है, कौन सी गेंद छोड़नी है, शुरुआत की 15 बॉले जो है मैं किस तरीके से खेलूंगा, पहले 15 रन कैसे बनाऊंगा। वो कहते हैं ना, एक चौके से बेहतर होता है 4 रन। जब आप मुश्किल परिस्थिति में होते हैं तो एक चौके से बेहतर होते हैं 4 रन, क्योंकि आप जब 4 सिंगल दौड़ते हैं तो आप उतनी देर आप क्रीज पे खड़े भी रहते हैं। तो आप अगर साउथ अफ्रीकन्स को देखें बैटिंग करते हुए, मैं तुलना नहीं कर रहा, हर खिलाड़ी की अपनी एक अलग अंदाज होता है। आज टेस्ट मैच देखिएगा, जब वो बैटिंग कर रहे होंगे लगभग 70% बैट्समैन उनके ना वो लगभग ऑस्टम का गार्ड लेके खड़े होते हैं। बहुत अच्छा नोटिस किया आपने जी। उसका एक बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि आपको पता है इन पिचेस में उछाल है, जब तक बॉल बिल्कुल ऊपर नहीं होगा और आप मिस नहीं करेंगे तो आप लेग बिफोर नहीं होंगे। तो आपने एक मोड ऑफ डिसमिसल है वो आपने हटा दिया है, आपको पता चल गया कि मेरा चौथा स्टंप का मैं कौन सा बॉल छोड़ सकता हूँ। और जब आप स्टांस में खड़े होते हैं, आपको पता है मेरी राइट आंख के बॉल बाहर कोई भी गेंद होगी मैं छोड़ सकता हूँ। तो कुछ देर आप सेट होने के लिए छोटी छोटी चीजें करते हैं और उसी अंदाज से ये आप सीख के आगे बढ़ते हैं। दुर्भाग्य ये कि हमारे बैट्समैन वो कहते हैं ना इम्प्रोवाइजेशन या वो अडेप्टेशन नहीं हो पा रहा है, तो उसकी वजह से वो रन नहीं बन रहे। अया सर, आप क्या महसूस कर रहे हैं, क्योंकि आप लगातार देख रहे हैं पिछले 2-2.5 सालों से कहानी बदल नहीं रही है, कहानी बिल्कुल वैसी की वैसी चली आ रही है। कोई एक बैट्समैन कंट्रीब्यूट कर रहा है, बाकी सिर्फ आ रहे हैं और जा रहे हैं। कल जिस तरह से विराट एक तरफ खड़े रह गए, अंत में मुझे लग रहा है शतक इसलिए उनका मिस हुआ क्योंकि वो सिंगल लेने जा रहे थे, ऑफ स्टंप के बाहर उन्होंने शफल किया, वो एक स्क्वायर लेग पे एक रन की कोशिश में वो आउट हुए। कैसे आप देखते हैं जिस तरह से मिडिल ऑर्डर का कोलैप्स हो जाना हर बार, ओपनर का कंट्रीब्यूशन होता है, जैसा कि आपने भी बताया कि रोहित कभी रन कर देते हैं, कभी के राहुल कर देते हैं, लेकिन पूरा का पूरी बैटिंग स्ट्रगल कर रही है और ये अब कंसर्न होता जा रहा है। अब आपको लग रहा है, और जिस तरह हरजैन भी लिख रहे हैं कि बार बार अगर हम आप उन्हीं बैट्समैनों को खिला के रन नहीं बना पा रहे तो क्यों नहीं बदलाव करते, अगेन एंड अगेन हम वही गलती दोहराते जा रहे हैं। राजीव, मुझे लगता है कि एक तो टारगेट बनाना चाहिए, अगर आप ओवरसीज मैचेस खेलते हैं तो 350 अगर आप नहीं बनाते हैं तो आपकी टीम हमेशा दबाव में रहेगी, हमेशा प्रेशर में रहेगी। इस सीरीज में अगर आप देखें तो पहले टेस्ट में पहली इनिंग में 300 से ऊपर बनाया था स्कोर, बहुत ज्यादा नहीं बनाया था लेकिन 300 क्रॉस किया था और वो मैच जीतने की पोजिशन में आई और जीत गई इंडिया। लेकिन दूसरे मैचेस में अगर आप
225, 210, 223 बनाएंगे, भले ही कितनी भी हल्की टीम हो, साउथ अफ्रीका की बैटिंग हल्की है इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन अगर वो होम पिचेस पे 250 बना लेते हैं, 260 बनाते हैं तो वो विनिंग पोजीशन में आ जाते हैं। अब इंडिया के बैट्समैन क्यों नहीं बना पा रहे, ये बहुत बड़ा सवाल है। एक इसका सुझाव जो या इसका एक एनालिसिस जो दिया है निखिल ने, वो बहुत जबरदस्त एनालिसिस है कि होम टीम जिस तरह से उन्होंने स्टडी किया है इंडियन बोलर्स को, मार्क बाउचर वगैरह जो है उनके कोचेस, उन्होंने स्टडी किया है इंडिया के गेंदबाजों को, किस क्या लाइन में डालते हैं, किस तरह से वो गेंद को अंदर लाते हैं नहीं लाते हैं वगैरह वगैरह, और ये एक टैक्टिक उन्होंने बनाई है कि हम ऑफ स्टंप पे गार्ड लेंगे और जितना हो सके ऑफ स्टंप के बाहर छेड़खानी नहीं करेंगे। अगर आप मिडिल स्टंप पे या लेग मिडिल का गार्ड लेते हैं और फिर खेलने जाते हैं तो गलती होने का चांसेस बढ़ जाता है। क्या यही टैक्टिक इंडियन प्लेयर्स को भी करना चाहिए? मैं ये नहीं मानता हूं। मैं मानता हूं कि जो आपका कंफर्ट लेवल है आप उसमें खेले, लेकिन इसके बारे में आप कॉन्शियस रहे कि आप क्या कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि ये कॉन्शियसनेस अगर ना हो, आप इससे वाकिफ ना हो कि ये गलती हो सकती है, तो फिर वो गलती होती ही रहेगी। कल जो हमने देखा विराट कोहली की इनिंग और जो जो टसल था उनका रबाडा के साथ, वो एक हाईलाइट था, हाईलाइट इस साल का हाईलाइट अगर आप देखें, कॉन्टेस्ट जो हुआ है वो इसी मैच में हुआ है, रबाडा वर्सेस कोहली, और दोनों मैं कहूंगा कि बराबर के मार्क्स मिले। हालांकि एंड ऑफ द डे अगर आप देखें तो रबाडा का परफॉर्मेंस थोड़ा ऊंचा होता है क्योंकि 4 विकेट उन्होंने निकाल दिए और 223 पे ऑल आउट हो गई इंडिया। अगर 280-300 तक विराट स्कोर लेके जाते तो फिर विराट जो है उनका परफॉर्मेंस ऑन डे वन रबाडा से ऊपर हो सकता था। लेकिन बात यह है कि या तो गुफ्तगु होनी चाहिए या चर्चा होनी चाहिए ड्रेसिंग रूम में नेक्स्ट पे कि कहां, एक तो अगर आप 350 का टॉस जीत के आप बैटिंग कर रहे हैं पहले इसी उम्मीद में कि 350-375 नहीं बनाएंगे तो हमारी टीम जो है प्रॉब्लम में रहेगी। अब उस कैसे पहुंचना है उस स्कोर पे, शुरुआत अच्छी नहीं हुई, ओपनर जो है जल्दी आउट हो गए, और मुझे लगता है कि एक हल्कापन है डेफिनेटली मिडिल ऑर्डर में। विराट जो है कल उभर के आए हैं, लेकिन ओवरऑल अगर आप मिडिल ऑर्डर देखें, पुजारा, विराट, रहाणे और पंत, अगर ये 200 रन नहीं कंट्रीब्यूट करते हैं मिलके या 225 रन, तो आप 350 रन ओवरसीज कंडीशन में बनाना बहुत मुश्किल है आपके लिए। आप शार्दुल ठाकुर और अश्विन पे हमेशा डिपेंड कैसे कर सकते हैं कि 60-70 रन हो देंगे। और निखिल भाई जो आया सर कह रहे हैं टॉस जीतने का, तीनों टेस्ट मैच में अगर आप टॉस जीत रहे हैं बड़ा एडवांटेज आप खो रहे हैं, क्योंकि अंत में आप विनिंग पोजीशन पे हो सकते हैं सिर्फ एक दिन अच्छी बल्लेबाजी करके। यानी आप पहले दिन अगर हमने पहला दिन अगर सेंचुरियन में अच्छा खेला तभी हम टेस्ट मैच जीते जोबर्ग, और अब हम केपटाउन में देख रहे हैं कहानी बिल्कुल वैसी है। अब वसंत नारायण जी का सवाल है कि विहारी और अय्यर जो बहुत अच्छे फॉर्म में लग रहे थे आपने उनको ड्रॉप कर रखा है, कानपुर में 51-5 होने के बाद श्रेयस अय्यर आते हैं और मैच निकाल के ऑलमोस्ट ले जाते हैं, हालांकि वो टेस्ट मैच ड्रॉ हो गया था। फिर उसी पे हर्ष जैन का भी काउंटर करते हुए सवाल है कि 25 और 27 के एवरेज वाले बैट्समैन को आखिर आप कब तक ढोते रहेंगे, ये 2 साल में उनका एवरेज है। इसके बारे में राजीव भाई हम लोगों ने कल भी चर्चा की थी जी। मैं भी उसी पक्ष में था कि हनुमा विहारी के साथ आप जाएंगे, दो में से एक बदलाव वो समझ में आता। आप एकदम से दो दो बदलाव टीम में अगर नहीं भी करना चाहते तो आपके पास एक खिलाड़ी जो तैयार है आप उसको क्यों नहीं चांस देना जा रहे। खैर पिछले मैच में अर्शतक उन्होंने बनाया था और कल हम लोगों ने ये भी बात की थी कि एक या अर्शतक से आप एक यंगस्टर को बाहर बैठाएंगे क्योंकि उसका भी मौका आएगा और इतने मौके के बाद कहीं ना कहीं कोई ना कोई बैट्समैन तो रन बनाएगा, या तो एक ऐसी कॉन्ट्रीब्यूशन होती 100 होता वो भारत टेस्ट मैच जीतते और वहीं पे वो सीरीज सील हो जाती तब एक वो अलग बात रहती। तो मेरा मानना है कि अब ये थिंक टैंक का वहां निर्णय उन्होंने लिया है, बट मुझे लगता है कि अब वो जो एक कहावत है कि क्लॉक इज टिकिंग, मुझे लगता है कि वो टिक हो चुकी है। अब अगले टेस्ट सीरीज में अब मुझे लगता है कि हनुमा विहारी को ही खिलाया जाएगा। खैर बिरार अब जिस तरीके से आपने कहा कि पहले टेस्ट मैच में हम लोगों ने सेंचुरियन में अच्छे अंदाज से पहली इनिंग में बैटिंग की थी, अब फर्क क्या है कि एक बार फिर से भारतीय गेंदबाजों के ऊपर दबाव आ गया है कि आप अपने स्कोर के आसपास साउथ अफ्रीका को फिर से आउट करने को देखेंगे तभी आप वो टेस्ट मैच में बनेंगे। और बात वही रह जाएगी कि फिर जब वो तीसरी और चौथी इनिंग रहेगी वो तय करेगा कि मुकाबला किधर की तरफ जा रहा है। तो 350 ना बना के 300 ना बना के आपने भारतीय बॉलर्स के ऊपर एक बार फिर से वो प्रेशर डाल दिया। वसंत नारायण का एक सवाल है आया सर, आप अपनी बात भी उसी के साथ पूरी कर लीजिएगा। उनका यह कहना है कि राहुल द्रविड़ को सोनी स्पोर्ट्स की हाइलाइट्स देखने चाहिए ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, जैसी हनुमा विहारी ने बल्लेबाजी की थी इंजर्ड होने के बाद उन्होंने टेस्ट मैच बचाया था। क्या ये राहुल द्रविड़ कोई
कहते हैं टफ कॉल लेने में थोड़ा बच रहे हैं, ऐसा लग रहा है आपको? मुझे लगता है थोड़ा कंजर्वेटिव अप्रोच है जरूर, कि आप अगर आप दोनों बैट्समैन जो आउट ऑफ फॉर्म नजर आ रहे हैं, मैं कहूंगा कि पुजारा ने कल बहुत अच्छी पारी खेली, 43 रन जो है बहुत अच्छा उन्होंने बनाया था, और ऐसे लग रहा था कि शायद वो पार्टनरशिप जो है वो इंडिया को 300 के तक या 300-350 तक ले जाएगी, लेकिन वो आउट हो गए 43 के पर। रहाने जो है बिल्कुल मुझे लगता है कि आउट ऑफ सॉर्ट्स नजर आ रहे, तो एक कंजर्वेटिव एक एडवेंचरस थिंकिंग होती है, एक थोड़ा सा रिस्क लेने वाली थिंकिंग होती है कि भले ओवरसीज टूर है, साउथ अफ्रीका के खिलाफ ये सीरीज लेवल है, तो मैं अपने ट्रस्टेड और एक्सपीरियंस प्लेयर्स के साथ जाऊं, और जो रिस्क लेने वाली होती है वो कहती है कि नहीं मैं नया प्लेयर जो है वो फॉर्म में अच्छा नजर आता है तो मैं उसको खिलाऊं, तो मुझे लगता है कंजर्वेटिव अप्रोच लिया है यहाँ पर। लेकिन मेरा मानना ये भी है, और कहीं ना कहीं ये तो राहुल द्रविड हो या विराट कोहली हो उनके ऊपर भी ये यू नो ये ख्याल तो जरूर आया होगा कि पिछले मैच में हम कहते हैं कि हमारे फास्ट बॉलर्स ने लेट डाउन किया चौथी इनिंग में, आउट नहीं कर पाए 240 में, और ब्लेम हम फिक्स कर रहे हैं, लेकिन बैट्समैन आपके लगातार 200 रन बनाने के लिए फंस रहे, 225 230 202, वहां पर ब्लेम क्यों नहीं हो रहा है? फिर वहां पर भी ब्लेम आप चिटकाइए और फिर एक्शन कीजिए उसके ऊपर। और 60-70 ओवर बैटिंग हो रही है निखिल भाई, ये साफ दर्शा रहा है कि आप विल पावर नहीं है आपके अंदर कि आप क्रीज पे खड़े रहे। अब एक सवाल मयंक अग्रवाल को लेकर आया है, हमारे एक व्यूवर है, उनका कहना है कि मयंक अग्रवाल जिस तरह से बैटिंग कर रहे हैं उनको लग रहा है कि वो रोहित शर्मा का इंतजार कर रहे हैं और बेंच पे बैठना उनको ज्यादा पसंद आएगा, क्योंकि वो भी आउट होने का तरीका एक ही है, तो फिर कोई कॉन्टेस्ट नहीं रहेगा, जैसे ही रोहित शर्मा आएंगे आपको सोचना नहीं पड़ेगा कि आप ड्रॉप कर दे मयंक अग्रवाल को। देखिए सही कहा, मैं मानता हूं आपके हाथ में जो है ना, आप वर्तमान में जी के आप उसको अच्छे से कर सकते हैं। अब रोहित कब आएंगे, कब बैटिंग करेंगे, मयंक के पास एक सुनहरा मौका था, एक गोल्डन चांस था, किस तरीके से आप अपनी इस सीरीज को एक मेमोरेबल सीरीज बना सकते हैं। न्यूजीलैंड में आपने रन बनाया, पहले टेस्ट मैच में आपने 60 रन बनाए अच्छे अंदाज से, वो एक शतकीय साझेदारी थी, दूसरे टेस्ट मैच में आउट हुए, एक आधा इनिंग किसी की खराब हो सकती थी, लेकिन ये तीसरे टेस्ट मैच की वो एक पहली इनिंग में रन बना देना राजू भाई, तो रन बना के खिलाड़ी बाहर बैठ रहे होते हैं और कोई बड़ी बात नहीं है। अगर वो रन बनाते या इस सीरीज में एक बड़ा 100 लगाते तो कोई बड़ी बात नहीं, कि सब सोच रहे होते अरे ये खिलाड़ी रन बना रहा है, कंसिस्टेंट है, इसको 3 नंबर खिलाते, ये भी तो नया बॉल खेलता है। तो अगर आपके पास एक 3 नंबर का खिलाड़ी भी तैयार हो रहा है, लेकिन आप अगर खुद ही रन नहीं बनाएंगे तो आप अपनी मुश्किलें और बहा रहे हैं, आप मुश्किलों का हल नहीं ढूंढ रहे। तो बहुत जरूरी है ये छोटी छोटी चीजें ना, एक वो मेंटल स्विच होता है जब एक खिलाड़ी अपनी टीम के लिए खेल रहा होता है कि यार ये मौका है। अब जिस तरीके से आप भारत में खेल रहे हैं और विदेश में खेल रहे हैं, एक बैट्समैन कहता है कि यार भारत में खेल रहे हैं स्विच ऑन है, यहाँ पे अगर एक स्टार्ट मिल गया 30-40 का तो एक 100 बनाना है, क्योंकि 100 बनाएंगे तो फिर आपकी इनिंग्स और लंबी हो जाती है। अगर आप विदेश में 30-40 पे आप बैटिंग कर रहे हैं, क्योंकि वो एक ऐसी कंडीशन रहती है कि अगर आप रन बनाने को नहीं देखते, एक आधा गेम पीछे रख के जाएगी जरूर, तो 35-40 पे आप आउट हो जाएंगे, तो वो इनिंग्स भी काउंट होती है। तो गुरुजी जब आप अपने एक स्टार्ट मिल रहा है उसको कन्वर्ट नहीं करेंगे तो फिर मुश्किलें रहेंगी। एक क्रिकेट में हम लोग अपनी कैलकुलेशन रहती थी, पता नहीं आयाज भाई कैसे कैलकुलेट करते थे राजू भाई, बतौर बैट्समैन जब मैं यंगस्टर्स को बात कर रहा हूँ, कोच करता हूँ, कि अपनी 10 इनिंग उठा के देख लीजिए, 10 इनिंग में से आप देख लीजिए कि आप कितनी बारी आउट हुए थे, उस समय आपके दिमाग में क्या चल रहा था, और आपको बॉलर ने कितनी बारी आउट किया, आपको पता चल जाएगा कि किस परसेंटेज की गलतियां मैं खुद कर रहा हूँ। एक आधा बारी अगर एम्पायर की गलती हो, लेकिन अब क्योंकि DRS है तो एम्पायर की गलती का गुंजाइश हटा दीजिए, रनआउट ले लीजिए आप, कम से कम 70-80% बैट्समैन अपनी गलती से खुद आउट हो रहा है, बहुत कम विकेट टेकिंग डिलीवरी पे आउट होता है। तो एक अनुमान लगाने के लिए कि आप एक खिलाड़ी को एक शीशा दिखा रहे हैं कि भैया मैं कर क्या रहा हूं, तो फिर मेरा कोई हक नहीं बनता कि ये जगह के लिए लड़ने के लिए, क्योंकि मैं खुद ही गलती कर रहा हूं उस तरीके की। या सर, क्योंकि आपने कहा कि बहुत अच्छे 43 रन बनाए पुजारा ने, लेकिन हमारे जो व्यूवर्स हैं वो बिल्कुल खुश नहीं है। अब हर्ष जैन का कहना है कि टू बी वेरी ऑनेस्ट, वी नो शुड नॉट बी हैप्पी विद द 40s एंड 50s ऑफ रहाने पुजारा, पंत विल बी काउंटेड आफ्टर प्लेइंग फॉर 2 years विद 25 एवरेज। मतलब ये तो मतलब सही बात है, और ये सभा भाई भी कह रहे थे कि अगर आप 2 साल से मैचेस खेले जा रहे हैं तो एक आध मैच में आप 30-40 बना देंगे। हमें जरूरत है इस समय की कंट्रीब्यूशन बड़ा हो, और इन जो हमारे सीनियर खिलाड़ी हैं, इवन चाहे ऋषभ पंत क्यों ना हो, इतने ज्यादा मौके उनको मिल रहे हैं, बट वो आउट होने का, कल आप देखिए वो जैब करने गए, उनको पता है बाउंस हो रही है, स्पॉन्जी बाउंस है पिच पे,
फिर भी सेट हो गए 30-35। मैं कल देख रहा था यार सर कि टॉप जो हमारे 6 बैट्समैन है उनमें 5 जो है डबल डिजिट में गए और उसके बाद आउट हुए, यानी कि आप सेट हुए हैं 30-40 बॉले आपने खेली और फिर आपने विकेट थ्रो कर दिया। देखिए मेरे ख्याल से दो चीजें हैं इसमें, एक तो ये है कि मैच विनिंग कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, बिल्कुल सही काम है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि चेतेश्वर पुजारा का कंट्रीब्यूशन जो होना चाहिए था वो था, लेकिन 43 जिस तरह से जिस अंदाज से बना है, जो उनका कंपोजर था, जो कंट्रोल था, बहुत ही अच्छा था। वो इनिंग्स को एक्सटेंड कर सकते थे और यहीं पर आपका एक्सपीरियंस जो है वो काम आता है कि अगर आप 43 को 73 या 83 करते हैं तो आपका टीम का टोटल जो है 300 के करीब हो जाता है और फिर वो माइनस ज्यादा रखता है। तो ये तो एक पहलू है। दूसरा है ऋषभ पंत की आपने बात की कि गलतियां वही हो रही है स्ट्रोक सिलेक्शन में। मैच से पहले विराट कोहली ने अच्छी बात की, एक्चुअली उन्होंने महेंद्र सिंह धोनी को कोट किया कि अगर आप गलती करते हैं और वही गलती आप 7-8 महीने के बाद दोहराते हैं तो फिर समझ में आती है, लेकिन वही चीज अगर आप हर मैच में कर रहे हैं तो फिर कहीं ना कहीं आपका जो अंडरस्टैंडिंग है गेम का या मैच सिचुएशन का वो गलत है। अगर आप हर मैच सिचुएशन में जाके उसी तरह का स्ट्रोक खेलते हैं, वही रिस्क लेते हैं, वही डिलीवरी या उस डिलीवरी पर जो आपको नहीं करना चाहिए, और मैं ये नहीं कर रहा हूँ जो लीन पैचेस, जैसे विराट कोहली बैट्समैन क्रिकेट जीवन में ये अक्सर आते हैं ऐसे पैचेस, जब आप और खास करके बैट्समैन के लिए जब आपका लीन पैच आता है तो रन नहीं बनते। वो लीन पैच के अलावा अगर आप अच्छी फॉर्म में हो, अब 27 जो भी रन बनाए थे पंत, ऐसा लग रहा था कि अच्छा कंबाइन किया था अग्रेशन आक्रामक और आक्रामक अंदाज और डिफेंस जो है पार्टनरशिप जम रही थी, वो पार्टनरशिप भी अगर 50-60 रन और जोड़ लेती है तो टोटल जो है 300 के करीब हो जाता है, लेकिन वहां पर जैक खेल के आउट हो गए। तो ये जो है गलतियां ये बहुत ज्यादा हो रही है और ये मुझे लगता है सबसे बड़ा काम है राहुल द्रविड़ के लिए किस तरह से, और बैटिंग कोच विक्रम राठौड़ के लिए कि इसको किस तरह से अरेस्ट करें, ताकि जैसे निखिल ने कहा कि जब वो कोचिंग करते हैं बच्चों की तो 10 इनिंग्स का एग्जांपल देते हैं और आप खुद पिक कीजिए आप किस तरह से आउट हुए, समझ में आती है बात। ये जो है आप मिनिमाइज द मिस्टेक्स एंड ऑप्टिमाइज द अपॉर्चुनिटी, ये होना चाहिए। मैं तुलना नहीं करना चाहता बट आपको एक उदाहरण देता हूँ, आपको भी याद होगा सचिन तेंदुलकर एक फेज था जब अब्दुल रजाक की अंदर आने वाली गेंद या ऑस्ट्रेलिया में अंदर आने वाली गेंद उस पे वो परेशान हो रहे थे और उन्होंने मेरे ख्याल में सिडनी या किसी एक टेस्ट मैच में 150 या 200 रन बनाए थे और ऑस्ट्रेलिया ने पता नहीं 200 रन बनाए थे, कितनी गेंदें उन्होंने अंदर मारने की कोशिश की, सचिन तेंदुलकर ने 200 रन में एक शॉट ड्राइव नहीं मारा, सिर्फ ये कि मेंटल ब्लॉक था कि इस विकेट पे या मेरे बैटिंग स्टाइल में कुछ है जो मेरे को अंदर आने वाली गेंद में परेशानी हो रही है तो मैं ड्राइव नहीं मारूंगा, मैं सिर्फ सिंगल डबल मेरा एरियाज रन बनाने के यहाँ है, मैं गेंद का इंतजार करूंगा। तो वो एक तैयारी है, एक मेंटल ब्लॉक, एक अवेयरनेस है जो अयाज सर ने भी कहा, वो कॉन्शियसनेस है कि मैं इस समय अपनी बैटिंग में मैं क्या कर सकता हूँ और क्या नहीं कर सकता, अगर क्या नहीं कर सकता उसको मैं ब्लॉक कर सकता हूँ, तभी तो आप बाकी खिलाड़ियों से आप बेहतर हैं, आप जितने भी रणजी ट्रॉफी के खिलाड़ी खेल रहे हैं उनकी जगह आपको मौका दिया है साउथ अफ्रीका में आप जाके रन बनाए क्योंकि आप ये सब चीजें कर सकते हैं। कई बारी एक खिलाड़ी को आईना दिखाना बहुत जरूरी है कि आप 11 में खेल रहे हैं, 125 करोड़ की आबादी के अंदर कितने हजारों लोग बल्लेबाजी कर रहे हैं, रणजी ट्रॉफी खेल रहे हैं, आप उनसे बेहतर है इसलिए आपको मौका दिया है, प्लीज अपने मौके का गवाए ना, उसको जाया ना करें अपने मौकों को। तो चलिए इसी नोट पर एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, विराट की बल्लेबाजी पे बात करेंगे और क्या पिच में भारतीय गेंदबाजों के लिए कुछ मदद रहेगी टेस्ट मैच के दूसरे दिन, उस पर बातचीत करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, तुरंत हाजिर होते हैं। Have you ever wondered where the business world is headed? How the ways in which we create, market and sell to consumers will evolve? Or if we'll ever go back to wearing pants while working? For answers to all of this and more, tune into Advertising is Dead with me, Varun Dugirala. Every Tuesday, as I talk to entrepreneurs, leaders and change makers from across business, media, marketing and beyond, you can catch all episodes of Advertising is Dead on the IBM Podcast website, app or wherever you get your podcasts from. ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। निखिल भाई और अयाज भाई के साथ आप देख रहे हैं और सुन रहे हैं खेल नीति। हमारे एक व्यूअर का सवाल है अयाज सर, उनका पूछना है कि आपको लग रहा है पिच में गेंदबाजों के लिए मदद है और टेस्ट मैच के दूसरे दिन भी रहेगी? देखिए जिस तरह से कल रबाडा ने गेंदबाजी की और रबाडा बहुत ही टेरिफिक बॉलर है ये हम सब जानते हैं, तो उस क्वालिटी का बॉलर और इंडिया के पास है ऐसी क्वालिटी के बॉलर, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी, शार्दुल ठाकुर भी इम्प्रेस किया है उन्होंने, विकेट टेकिंग एबिलिटी है उनमें, उमेश यादव के लिए ये मैच बहुत ही इम्पोर्टेंट है
अपने करियर को कितना एक्सटेंड कर सकते हैं या नहीं, क्योंकि मोहम्मद सिराज बैठे हुए हैं ड्रेसिंग रूम में। तो इस पिच में तीखापन तो है, गेंद जो है पिच होने के बाद मूव हो रही है, रबाडा ने जिस तरह से रिपीटली बीट किया, और जो मैं कहा बताया कि जो कश्मकश उनकी और कोहली के बीच हुई वो हाईलाइट थी कल के डे की, जिस तरह से विराट कोहली ने भी खेला अपने ऑफ स्टंप जो है, एक आप इतनी सिक्योर हो जाए कि आपको पता है कि आपके ऑफ स्टंप कहाँ है तो आपसे गलतियां कम होगी। अगर आपके माइंड में कंफ्यूजन है, ऑफ स्टंप की पोजीशन आप भूल जाते हैं एज अ बैट्समैन, तो आप पोक करेंगे या अंदर आने वाली गेम को नहीं समझ पाएंगे वगैरह वगैरह, सब मिस्टेक जो होती है वहां पर होती है। तो मुझे लगता है इस पिच में मदद तो है, अब कितनी देर तक चलती है। पिछले दो मैचेस में हमने देखा है साउथ अफ्रीका में कि जैसे ही मैच आगे बढ़ती है तो थोड़ा सा पिच ईज होती है और बैटिंग के लिए थोड़ी बेटर होती है। अब दूसरे दिन ये देखना है कि शायद, मुझे लगता है आज के जो पहले दो सेशन है वो बहुत ही क्रूशियल है दोनों ही टीम के लिए। अगर इंडिया साउथ अफ्रीका को दो सेशन या दो से थोड़ा ज्यादा सेशन में आउट करती है, उनका भी स्कोर लगभग 200 के करीब होगा, 225 होगा या 250 होगा। अगर लीड इंडिया 30-40 रन से ज्यादा नहीं देती है तो मौका बनता है, लेकिन अगर साउथ अफ्रीका 100 रन की लीड ले लेती है तो बहुत ही मुश्किल होगा इंडिया को इस मैच में सर्वाइव करने का। लेकिन अगर 170 में आउट करती है, 40-50 रन का लीड इंडिया ले लेती है तो साइकोलॉजिकली बहुत इंपॉर्टेंट होता है और चौथी इनिंग में बहुत ज्यादा प्रेशर में रहेगी साउथ अफ्रीका। पृथ्वी, हमारे एक और व्यूवर हमारे साथ जुड़ गए, निखिल भाई, उनका सवाल आपसे है कि मास्टर क्लास इनिंग्स थी कल विराट कोहली की और वर्थ था उनको बैटिंग करते देखना, यानी मतलब बहुत बड़ा एग्जांपल उन्होंने कल सेट किया। जो आया सर बार बार बात कर रहे थे कि रबाडा और उनके बीच में जो टसल थी वो सबसे बड़ी हाईलाइट थी, जिस तरह से उन्होंने टैकल किया कल, जो उनका ट्रिगर मोमेंट था बड़ा पॉजिटिव रहा पूरे मैच में। राजीव भाई, मैं तो पहले टेस्ट से कह रहा हूँ, जिस तरीके से उन्होंने पहले टेस्ट के 35 रन बनाए थे, जो फुटवर्क चल रहा था वो खिलाड़ी ड्यू है एक बड़ी इनिंग के, जिस तरीके से वो आउट हो रहा है, वो शॉट्स खेलने को देख रहा है, जब डिफेंस भी कर रहा था बॉल जो है वो बैट के बीचों बीच में लग रहा है। बहुत कम बारी ऐसा हुआ है कि वो उन्होंने खेला है और बीट हुए हैं या बॉलर उनको एक परेशान कर रहा है, वही एक खिलाड़ी है। अगर आप उनके बैटिंग को थोड़ा सा और करीब से देखेंगे, 79 रन उन्होंने बनाए या 70 से जितने भी रन उन्होंने बनाए, सभी बॉलर्स के दो दो स्पेल उन्होंने खेले। आपको कभी लगा कि एक स्पेल में जैसे एक बॉलर आपको बतौर बैट्समैन तंग कर रहा है, जैसे कगिसो रबाडा उनको अगर एक स्पेल में तंग कर रहे हैं तो वो जानते हैं कि एक स्पेल जो है वो 30 गेंदों का होगा या 36 गेंदों का होगा, उससे ज्यादा कोई भी बॉलर डालता नहीं है। तो वो तैयार था उसको उस एक स्पेल को वो सम्मान देने के लिए, वो बतौर खिलाड़ी कोई छेड़छाड़ नहीं, उसमें कोई फोर ईगो नहीं कि मैं इनके ऊपर हावी होने की कोशिश करूंगा, क्योंकि वो फिर तैयार थे कि इन कंडीशंस का मैं सम्मान दूंगा, तो मैं ये 36 गेंदे निकाल दूंगा, एक स्पेल निकाल दूंगा, तो जो आने वाला गेंदबाज है उसके खिलाफ मैं रन बनाने को देख सकता हूं। अगर साथ में दूसरा स्पेल या तीसरा स्पेल फिर से किसी और बॉलर का एक उनको परेशान करता है, सो बतौर बैट्समैन आपको वो सम्मान देना आना चाहिए। यू हैव टू बी मैच अवेयर और सिचुएशन अवेयर कि ये वाला स्पेल जो है, ये बॉलर जो है ये पूरी लय में नजर आ रहा है, क्योंकि आप उसकी कला अगर आप पहचान पाएंगे तो आपको पता रहेगा बतौर बैट्समैन यार इस वाले स्पेल में मैं संभाल करूंगा। और सिर्फ 36 गेंदे तो खेलनी है, 36 गेंदे में से आप कितनी गेंदे खेल रहे हैं, आप उसको और छोटा कर दीजिए। तो ये सब काम है सपोर्ट स्टाफ का कि किस तरीके से फिर बैट्समैन भी ना एक प्रोसेस में चलता है। एक स्पेल बोलने में उसको लगता है यार स्पेल बड़ा लंबा है, लेकिन आप उसको ब्रेक डाउन कर देंगे यार 36 गेंदे, 36 में से अगर आप 20 गेंदे आप खेल रहे हो, 16 कोई और खेल रहा है, 20 गेंदों को भी आप फूक फूक के खेल लीजिए तो आप कहेंगे अरे यार स्पेल निकल गया, कोई और बॉलर आ रहा है। तो वो चीजें जो है ये आपको बाहर से भी तैयारी करनी है, और जो विराट कोहली करके आता है मैं तो हैरान हूं कि उनके साथ जो बैट्समैन बैटिंग कर रहा है वो रन नहीं बना रहा, क्योंकि वो एक ऐसा खिलाड़ी है कि साथ में जो बैट्समैन है उनको भी खिला सकता है, उनको रन बना सकता है कि यार ये स्पेल ये इसका बॉलर ऐसे चल रहा है, ये यहाँ बॉल डालने को देखेगा, यहाँ संभाल के रखना, अपना ऑफ स्टंप देखना, ये वाली शॉट आप खेल सकते हो ये नहीं कर सकते। मैं कह रहा हूँ कि वो सब बता रहे होंगे लेकिन फिर उसके बाद वही गलतियां हो रही है, बड़ा हैरान होता हूं मैं। सर विराट की बात करें तो तीसरा 50+ स्कोर था साउथ अफ्रीकी सरजमी पर, पहले इंडियन कैप्टन हो गए जिन्होंने किया, इससे पहले सब जितने भी कप्तान गए एक एक बारी वो 50 का आंकड़ा पार कर पाए, तो ये एक बल्लेबाजी की उनकी हाईलाइट थी। दूसरा, जिस तरह से उन्होंने पेशेंस पहली 15-16 बॉलों में दिखाया, सर आपने भी देखा होगा उसके बाद जो उन्होंने कवर ड्राइव मारा जिससे खाता खोला उन्होंने, उसने दिखा दिया था कि बहुत डिटरमिन है वो इस टेस्ट मैच में कुछ बड़ा करने के लिए।
बट आपको लग रहा है बाकी बल्लेबाजों की वजह से वो शतक नहीं बना पाए इस मैच में, और इक्विवेलेंट है शतक के बराबर जिस तरह से उन्होंने 79 बनाया? बेहद बेशक राजीव, ये बहुत ही जबरदस्त इनिंग थी और मेरे ख्याल से कॉन्फिडेंस बूस्ट करेगी ना सिर्फ उनका, मेरे ख्याल से और उम्मीद ये है कि ड्रेसिंग रूम में भी जो है बाकी बल्लेबाज जो है वो प्रेरणा लेंगे। एक जो बात आपने कही बिल्कुल सही है कि अब विराट कोहली की सिचुएशन ये हो गई है कि वो शीट एंकर के रोल में भी उनको खेलना पड़ता है। पहले जब आपके पास पुजारा रन बना रहे थे वो शीट एंकर थे तो थोड़ा फ्रीली खेल सकते थे विराट, बिकॉज ही न्यू कि कोई ना कोई एक बैट्समैन है जो मोर्चा संभाल लेगा। रहाने भी अच्छे खासे फॉर्म में रहते थे, खासकर ओवरसीज तो उनसे भी रन बनते थे। लेकिन अगर आप ही और अगर रोहित नहीं हो और बैटिंग और हल्की हो जाती है तो फिर उनके ऊपर जिम्मेदारी है, एक तो खुद का पोअर फॉर्म जो था उससे बाहर निकलना है, उसके साथ साथ टीम की जिम्मेदारी लेनी है कि सीरीज जिताना है, और फिर बाकी बल्लेबाज नहीं चल रहे हैं तो उनके लिए मेकअप करना है कि किस तरह से आप देखिए टेस्ट मैच में सिर्फ ये नहीं है कि आप जाके स्ट्रोक खेलते रहे और रन बनते जाएंगे, टेस्ट मैच में समय भी बिताना पड़ता है। आप पहले ही दिन में बोल आउट हो गए, चार दिन और बाकी है तो एक्चुअली एडवांटेज पूरा अब साउथ अफ्रीका के साथ है। अगर वो डेढ़ दिन बैटिंग कर लेते हैं तो आपकी मैच तो गई हाथ से। तो बहुत जरूरी है आज उनको पूरा आप ऑल आउट करें, वरना ये मैच भले ही तीन साढ़े तीन चार दिन में खत्म हो जाए, लेकिन अगर साउथ अफ्रीका डेढ़ दिन चार साढ़े चार सेशन खेल लेती है दैट मीन्स इंडिया को दरवाजा दिखा दिया है और दरवाजा बंद कर दिया, वो मैच फिर हारेगी नहीं मान। तो ये सोच जो है वो कैप्टन के जहन में बिल्कुल चल रही होगी। विराट कोहली जो है वो टाइम के लिए भी खेल रहे थे, रन के लिए भी खेल रहे थे, और मेरे ख्याल से एक एग्जेम्पलरी नॉक था ये कि आउट ऑफ फॉर्म। बिल्कुल, हम लोग सब कहते हैं आउट ऑफ फॉर्म। निखिल ने कहा पहले टेस्ट मैच में बहुत जबर टेक्निकली ही लुक सुपर्ब, पूरे साल में आप इंग्लैंड में भी देखे, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में भी ऐसे लगा कि एकदम ऑन टॉप है, पर आउट ऑफ फॉर्म जब आप रहते हैं आपकी पहली गलती आपकी लास्ट गलती होती है। जब आपके साथ फॉर्म या किस्मत चल रहा है तो आपके एक दो गलती आप निकल जाते हैं, रन बन जाते हैं और फिर जो है वो एक तरह से सैलाब आता है रन का। उम्मीद ये है कि ये जो इनिंग्स है वो ब्रेक थ्रू इनिंग्स है, उनका जो लीन ट्रॉट है या पोअर फेज है वो खत्म हो गया, इसके बाद अब रन जो है बढ़ते ही जाएंगे। निखिल भाई, क्योंकि एज अ बैट्समैन तो चलिए पहला इम्तिहान पास के लिए विराट ने, असली इम्तिहान एज अ कैप्टन है। अब मैं एग्जांपल दूं, जिस तरह दक्षिण अफ्रीका ने प्लान किया और मैं बड़ा ऑब्जर्व कर रहा था कि उन्होंने अचानक रनों को ड्राई किया ड्रिंक्स के बाद, जो पहला ड्रिंक्स था 24 डॉट बॉले डाली रबाडा लुंगी नगनी ने और यानसेन ने, और उसके बाद वो प्रेशर क्रिएट होना शुरू हुआ, मयंक आउट हुए, फिर केआर राहुल आउट हुए, फिर जब वो लंच के बाद आया फिर एक प्रेशर क्रिएट किया उन्होंने विराट और पुजारा पे, वो ड्राई कर रहे थे रन को एक सर्टेन एरिया में बॉल डाल के। क्या विराट अपने गेंदबाजों से बात करेंगे कि आप जो कुछ साउथ अफ्रीका गेंदबाजों ने किया आप भी वो करके वो प्रेशर क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि अगर हमारे एक्सपीरियंस बैट्समैन नहीं हैंडल कर पाए वो प्रेशर तो फिर दक्षिण अफ्रीका के लिए तो बड़ा चैलेंज होगा इस तरह की गेंदबाजी। राजीव, एक अच्छी रणनीति थी साउथ अफ्रीका की, दूसरे टेस्ट मैच में भी अगर आपको याद हो पहले ड्रिंक्स के बाद जो पहली गेंद गिरी थी मयंक अग्रवाल आउट हुए थे वो एक स्पेल था यानसेन और लुंगी नगिनी का, उसमें भी मेरे ख्याल में 20-22 रन आए थे, और साउथ अफ्रीकन समझते हैं कि भारतीय बैट्समैन जो है ना स्ट्रोक प्लेयर्स हैं, आप कुछ देर उनको शांत रखेंगे और फिर चौथे पांचवें स्टंप पे गेंद डालेंगे तो सभी बैट्समैन ना उधर की तरफ गेंद जो है की तरफ जाएंगे, रन बनाना उनको पसंद है, बाउंड्रीज लगाना उनको पसंद है, वो पेशेंस के साथ खेलता है। बहुत जरूरी है कि इस अब आज के दिन में इस टेस्ट मैच में आप वापसी कर सकते हैं, एक पुराना मूल मंत्र है हर खिलाड़ी का, चाहे वो रणजी ट्रॉफी खेल रहे हैं चाहे आप टेस्ट मैचेस खेल रहे हैं, कि भैया विकेट नहीं तो रन नहीं। अब आप अपनी लेंथ, आप क्योंकि ये अब तीसरा टेस्ट मैच खेल रहे हैं, हर बॉलर को पता है कि किस लेंथ पे आपने बॉलिंग करनी है, कि आप वो पेशेंटली आप बैट्समैन को रन बनाने ना दे, आप भी बैट्समैन के पेशेंस के साथ खेले। और विकेट कब मिलती है, जब दोनों छोर से लगातार अच्छी लाइन और लेंथ पे बॉलिंग हो रही तभी विकेट मिलती है, नहीं तो एक बॉलर अगर एक अच्छी लाइन अच्छी लेंथ पे डाल रहा है दूसरी तरफ से आके रन निकल जाते हैं तो बैट्समैन के ऊपर कोई दबाव नहीं रहता। वो एक प्रेशर का माहौल क्रिएट करना जहां पे बैट्समैन खेल रहे हैं पीछे स्लिप से आवाज आती है, ओ आ ये हो रहा है वो हो रहा है, तो वो आवाज आनी चाहिए। एक होती है बनावटी आवाज, एक होती है कि वाकई वो सब चीजें हो रही है, और जब सामने से बैट्समैन बीट होता है दो तीन गेंदे या हर ओवर में दो गेंदे बीट हो रहा है तो वो माहौल क्रिएट हो रहा है विकेट का, वो माहौल बनाना बहुत जरूरी है। आपको भी लग रहा है सर थोड़ा, एक तो थर्ड मैन का एरिया विराट को के लिए बड़ा कंसर्न है, क्योंकि मैं देख रहा था जोहान्सबर्ग टेस्ट मैच में बहुत रन बने स्क्वायर ऑफ द विकेट,
यहाँ पर भी जो शुरुआत हुई है अगर आप देखें उन 40 रनों में काफी रन पॉइंट और थर्ड मैन के एरिया में गए। एज ए कैप्टन जब आपके पास बहुत कम रन होते हैं, क्या ये बड़ा चैलेंज है कि आप अटैक और डिफेंस को एक साथ मिश्रण करें उसका, ताकि मैच में जो आप टाइम की बात कर रहे थे कि टाइम आपको मिले इस टेस्ट मैच में रणनीति बनाने के लिए? देखिए रन तो रोकना होगा, अगर आप रन रोकते हैं तो प्रेशर बनता है बल्लेबाज पे और फिर वो गलतियां करने का उनका चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर रन फ्रीली अगर आप दे देते हैं और थर्ड मैन की पोजीशन जो है इसमें इस कैलकुलेशन में आती है, आप किस तरह से डिफेंड करते हैं, बाउंड्रीज कट करें, एक सिंगल कंसीड करते हैं, लेकिन आपको कैचिंग पोजीशन भी चाहिए क्योंकि विकेट्स भी लेने हैं, तो ओवरऑल और किस तरह से आप स्लिप्स की पोजीशन भी किस तरह से रखते हैं, क्या एंगल पर क्या डिस्टेंस पे स्लिप्स पड़े रहते हैं, ये सब कैलकुलेट करना बहुत जरूरी है क्योंकि आपके पास बहुत कम रन है डिफेंड करने के लिए। अगर यही स्कोर 323 होता तो आपकी फील्ड प्लेसिंग अलग हो जाती थी, आप किस तरह से अपने गेंदबाजों को यूज करेंगे, कितने शॉर्ट बर्स्ट में आप यूज करते हैं या लंबे स्पेल देते हैं, कोई एक को आपको स्टॉक बॉलर बनाना पड़ेगा कि वो ज्यादा रन ना दे, आप दूसरी ओर से अटैक करें, तो ये सब कैलकुलेशन, ये सब बहुत यू नो डिमांड्स है कैप्टनसी के, जो मुझे लगता है कि ये बड़ा चैलेंज है। अब पहले दिन जो चैलेंज था वो बैटिंग का था, दूसरे दिन जो चैलेंज है कैप्टनसी का है। अगर जब मैं फिर से रिपीट करता हूँ कि आज अगर आज पूरा दिन साउथ अफ्रीका खेल लेती है और उनके पास 2-3 विकेट बची रहती है तो फिर ये बहुत गंभीर सिचुएशन हो जाएगी इंडिया के लिए। इंडिया के लिए बेस्ट सिचुएशन ये है। ला 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 ला, आयत भाई ऐसा ना सोचे के 4.5 घंटे में अगर आप आउट करते हैं तो मैच लेवल रहती है, फिर आगे यू नो सेकंड इनिंग में आपकी बैटिंग किस तरह से फेयर करती है उसके ऊपर डिपेंड होगा। लेकिन अगर अगर ये डेढ़ पांच से चार साढ़े चार पांच सेशन खेल लिए तो फिर तो मैच बहुत ही मैं कहूंगा वर्चुअली लगभग होपलेस सिचुएशन में पहुंच जाएगी। तो चलिए, जितना खूबसूरत शहर है केपटाउन और जितना खूबसूरत मैदान है, शायद उतनी खूबसूरत यादें भारतीय टीम के लिए नहीं है। 5 टेस्ट मैच इससे पहले खेले हैं और 5 में से 3 टेस्ट मैच हारे हैं और 2 ड्रॉ रहा है, यानी कि यहाँ पर वो कभी कोई टेस्ट मैच नहीं जीते। अगर आप सेंचुरियन याद करें तो सेंचुरियन पे भी हम कोई टेस्ट मैच नहीं जीते थे, वहां पर जीते। जोहान्सबर्ग में हम कभी नहीं हारे थे तो वहां पर हार गए, और अब बारी है केपटाउन की जहां पर हम जीते नहीं है। तो उम्मीद यही करेंगे कि जो अयाज सर करें कि 3-4 सेशन में आउट करें और उसके बाद मौके बनाए, बैट्समैन कम से कम कुछ कंट्रीब्यूट तो करें, क्योंकि गेंदबाज आखिर कब तक मैच जिताते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया निखिल भाई आपका, अयाज सर आपका। तो जुड़िए खेलनीति के साथ हर सुबह 9:30 पर खेलनीति के यूट्यूब चैनल और IBM के फेसबुक पेज पर। इसके अलावा आप मुझसे जुड़ सकते हैं, अपने सवाल भेज सकते हैं @RajeevMish, मेरा ट्विटर हैंडल है @CricketValla, अयाज सर का ट्विटर हैंडल है, और @NikhilChopra आप ट्विटर हैंडल है निखिल भाई का, उनको भी आप अपने सवाल भेज सकते हैं। इसके अलावा खेलनीति का हर एपिसोड आप सुन सकते हैं IBM ऐप पर, IBMPodcast.com पर, गाना, Spotify, सावन, Google Podcast या अन्य IBM Podcasting Network पर। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। Hey everybody, it's been another great week on the IVM Podcast Network. On Paisa Vaisa, Anupam talks to Vedant Krishnan, along with the co-founders of FamPay, Sambhav Jain and Kush Taneja. They discuss financial preparation for teenagers and how to get them started. On the Filter Coffee Podcast, Karthik speaks to Gautam Chintamani, discover his journey as a film historian, documentary filmmaker and political author. On Tere Mere Raste, Keshav explores London City through the famous underground tube. On Say No to Drama, Chetna supplies some fresh New Year reminders to keep in sight and keep in mind. And on Hansvani, hear the story Azrael Ki Pukar. It highlights the gratitude we should have for our parents. Do follow us on social media. We're IVM Podcast on Twitter, Facebook, Instagram, and LinkedIn. And remember, if you're enjoying this show or any of our other shows for that matter, please do tell a friend. Also, don't forget to rate us on any of the platforms you're listening to us on. And you can also check us out on YouTube. You can have a list of all of our shows at IVMPodcast.com/YouTube. And finally, we'd like to thank our sponsors this week, Bank of Baroda and CoinSwitch Kuber. If you love cricket, listen up. The Edges and Sledges Cricket Podcast is here for you. Hosted by DJ, Varun and me, Ashwin, we bring a fun, fresh fans point of view to talking all things cricket. Sometimes it's just the three of us, sometimes we have guests, including current and former international cricketers. For new episodes every week, check out the Edges and Sledges Cricket Podcast on the IVM app, website, or wherever you get your podcasts.